डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 13। आज हम बात करने वाले हैं पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक्स टेस्ट यानी कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट के बारे में। और इसमें से दोस्तों वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, आज तक 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो फिर भी हमारे लिए ये टॉपिक करना ज़रूरी है क्योंकि क्या पता इसमें से आगे क्वेश्चन आ जाए। और दोस्तों अगर हमें GRF लेना है तो पेपर फर्स्ट में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इन सभी टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और GRF चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और DI के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजी नेट है तो GRF है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, ये हमें जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पैरामीटर में से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, पैरामीटर और स्टेटिस्टिक्स में से क्वेश्चन आया, इनकी डेफिनेशन में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ए पैरामीटर इज एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट करेक्टराइज ए गिवन पॉपुलेशन और सम एस्पेक्ट ऑफ इट, यानी कि ये क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस मीन द पैरामीटर टेल्स समथिंग अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो पैरामीटर है वो हमें पॉपुलेशन के बारे में समथिंग बताता है, उसके बारे में बताता है, वो एग्जैक्ट नहीं बताता। पैरामीटर हमें कभी भी एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं बताएगा, वो उसके आसपास और एक अंदाज़ा जैसे कहते हैं ना, अंदाज़ा वो बता देता है उसके अंदर। और दोस्तों हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया, आप यहाँ पे देख लेना। और इसको हम और अच्छे तरीके से मैं समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे मान के चलते हम किसी कस्बे में गए या किसी गाँव के अंदर गए, वहाँ पर हम उनके जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, उस गांव के लोग जो काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, हम ये पता करना चाहते हैं कि उस गांव के लोगों की एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, इसके लिए हम मान के चलिए हम सरपंच के पास गए, तो सरपंच ने एक अंदाज़ा लगा के बता दिया कि यहाँ के गांव के लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये मंथली है, 10,000 रुपये के आसपास उसने बता दिया। ये क्या है दोस्तों, ये उसने अंदाज़ा लगाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों हमारे पैरामीटर के अंदर। और पैरामीटर के अंदर क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालना होता है इसके अंदर। इसमें हम गणना नहीं कर सकते, केवल अनुमान लगा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों पैरामीटर में, आप ध्यान रख लेना। इसमें हम गणना नहीं करते, अनुमान लगाते हैं। यह फिक्स्ड और अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसके अंदर क्या है कि ये फिक्स्ड नहीं होती, फिक्स नहीं होता इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये फिक्स होता है और अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती भाई, जैसे 10,536 रुपये एवरेज इनकम है, ऐसे नहीं, ये क्या होता है, फिक्स होता है, जैसे 10,000 रुपये इनकम है। तो अंदाज़ा लगाना वहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर हमारा होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए ना दोस्तों वो हम करेंगे, वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज ए न्यूमेरिकल वॉल्यूम विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ डेटा। ये क्या होता है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमने सैंपल इकट्ठा किया, सैंपल से जो डेटा इकट्ठा किया है उसको एनालिसिस करके हम निकालते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये सैंपल इज डिस्क्राइब एज ए फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि सैंपल का पूरा फ्रैक्शन निकाला जाता है, सैंपल इकट्ठा किए और पूरी पॉपुलेशन में
फिर उसका फ्रैक्शन निकाला जाता है और एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर डिफाइन होती है, विच रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन इन द इट्स करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके अंदर पूरा करेक्टरिस्टिक डिफाइन हो जाता है एक एक पर्सन का। और इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसी कस्बे के अंदर हमने दोबारा एक फिर से सर्वे किया, ठीक है। अब की बार हमने क्या किया, जितने भी 100 लोग हैं, 100 लोगों की हर एक व्यक्ति की हमने इनकम नोट की। भाई एक कमाता 8,000 रुपये, दूसरा 12,000, तीसरा 11,000, चौथा है वो 6,000 रुपये कमाता। इस तरीके से हमने 100 लोगों की इनकम राइट डाउन की और उसके बाद में हमने वहाँ पे उनका एवरेज निकाला और वहाँ पे एवरेज हम मान के चलते उनका एवरेज आया 10,536 रुपये। एवरेज वहाँ पे निकल के आया, वहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, प्योर वैल्यू आ गई, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वो हमारा होगा स्टेटिस्टिक्स होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी हम देख लेते हैं। इसमें सैंपल के जो मीन आते हैं उनको स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को लिया जाता है और ये कम ज़्यादा होते रहते हैं और संख्या ज्ञात होती है। ये क्या है कि दोस्तों कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब देखिए, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। मान के चलिए हमने 100 लोगों का सर्वे किया, एक साल हमने 100 लोगों का सर्वे किया और हमारे पास जो एवरेज इनकम वो कितना आ गई, 10,536 रुपये आ गई। लेकिन अगली साल उन्हीं 100 लोगों का हम एवरेज निकालेंगे, हो सकता है 10,536 से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि उनके अंदर हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाने लगे और कुछ लोग बेरोजगार हो जाए। तो इसलिए जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा होती रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इन दोनों के अंदर, ये आप देख लेना। इसमें से क्वेश्चन आया है और एक और जो मेजर इसमें से क्वेश्चन आया वो मैं और आपको बताता हूँ इसमें से क्या है। देखिए, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन स्टेटिस्टिक्स एंड पैरामीटर इज दैट स्टेटिस्टिक्स डिस्क्राइब ए सैंपल। स्टेटिस्टिक्स किसको डिस्क्राइब करेगा, ये सैंपल को डिस्क्राइब करेगा, एस से एस दोस्तों, एस से एस, स्टेटिस्टिक्स मतलब सैंपल को डिस्क्राइब करेगा। और आगे दोस्तों, पैरामीटर डिस्क्राइब एन एंटायर पॉपुलेशन। पैरामीटर किसको डिफाइन करेगा, पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा। पी से पी, एस से एस, आप इससे इस ट्रिक से याद रखना क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, सेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इनमें से क्वेश्चन आया है, तो ये आप याद रखना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो अलग अलग टाइप के टेस्ट है उनके बारे में हम बात करते हैं। द पैरामीट्रिक टेस्ट, देयर कैन बी टू टाइप ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूँ, पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से है यहाँ पे, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, पैरामीट्रिक टेस्ट दिए हुए हैं। इसमें से क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आया है। टी टेस्ट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते हैं, इनमें से क्या आया है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इनको किन्होंने दिया था, विलियम सिले गोशेट ने इनको दिया था, ये आप याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसको हम स्मॉल टेस्ट और स्टूडेंट टी टेस्ट या वल्च टी टेस्ट भी कहते हैं। ये तीन नामों से पुकारा जाता है, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, स्मॉल टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट और वल्च टी टेस्ट इसको कहते हैं। और साइज ऑफ सैंपल इसके अंदर दोस्तों 30 से कम होता है, इसके अंदर क्या होता है, 30 से कम सैंपल साइज होता है। उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम वी इक्वल टू एन माइनस वन होता है दोस्तों। अब देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत डीपली इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बन जाएंगे। आप नॉर्मली इनको बस ये आप एक बार देख लीजिए इनमें से क्या पता क्वेश्चन आ जाए। कोरिलेशन कोफिशियंट इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 0 होता है इसके अंदर। पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन ऑन आर नॉर्मल, पॉपुलेशन वेरिएशन इज अननोन, ठीक है, ये आप याद रखना, पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन होता है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जेड टेस्ट की बात करते हैं, ये किसने दिया था, फीसर ने दिया था, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एक बार, अलग देखिए अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है नेट में ना देखा हो आपने, सेट एग्जाम में आ चुका है ये जी। तो टी टेस्ट को किसने दिया था, फीसर ने दिया था और इसमें लार्ज सैंपल टेस्ट होते हैं और इसके अंदर सैंपल साइज ऑफ सैंपल एन ग्रेटर देन 30, यानी कि जो साइज होता है वो 30 से ज़्यादा होता है।
कोरिलेशन कोफिशियंट इज नॉट जीरो, इसके अंदर कोरिलेशन कोफिशियंट जीरो नहीं होता। इट इज यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट, ठीक है, जिसमें जब दो मीन डिफरेंट हो तब इसका यूज किया जाता है। पॉपुलेशन वेरिएशन इज नॉन, ये बात याद रखना। और उसके अंदर क्या था, ऊपर वाले में अननोन था। वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट, लोकेशन टेस्ट, मैक्सिमम लाइकलीहुड टेस्ट इसको बोला जाता है, ये भी आप याद रखना दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों एफ टेस्ट की बात करते हैं। अब देखिए एफ टेस्ट के हमने क्या किया, पहले टी टेस्ट किया, फिर जेड टेस्ट किया, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ये क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये देखिए जेड टेस्ट तक क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट, उसके बाद में एफ टेस्ट, ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये याद रखना। इसमें बात करते हैं ये भी किसने दिया था, फिशर ने दिया था। ये स्मॉल सैंपल टेस्ट और वेरिएशन रेशो टेस्ट इसको बोला जाता है। इट यूज टू इफ टू पॉपुलेशन वेरिएशन इज सॉरी आर इक्वल, जब ये दोनों के दोनों इक्वल हो तभी इसका यूज किया जाता है। देयर इज नो मेजरमेंट एरर, इसके अंदर कोई मेजरमेंट एरर नहीं होता। सैंपल ड्रॉन रैंडमली, रैंडम तरीके से इसके अंदर सैंपल लिया जाता है। टू सैंपल हैव सेम वेरियंस, फॉर्मूला पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एस स्केयर वन डिवाइड बाई एस स्केयर टू, ये देखिए इसमें वही मैं बता रहा हूँ, इसमें डीपली ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप फिर भी इनको देख लेना, बहुत ज़्यादा इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और एफ टेस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तीन टेस्ट किए हमने, अब आगे हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं, इसे चाई स्क्वायर टेस्ट भी कहा जाता है। इट इंट्रोड्यूस बाय कार्ल पियर्सन, ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, ये 0 से 1 के बीच लाई करता है। चाई स्केयर टेस्ट आल्सो रिटन एज एक्स स्केयर टेस्ट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। सैंपल साइज, इसके अंदर जो सैंपल का साइज होता है वो 50 से ज़्यादा होता है। ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना, याद रखना, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके अंदर होती है। ऑल सैंपल आर इंडिपेंडेंट, इनके अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, देखना चाहे तो। वैसे इसमें से आज तक ऐसे फॉर्मूले वगैरह नहीं पूछे, लेकिन फिर भी आप देख लेना इसके अंदर। चलिए अब मैं दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसका देखिए लाइव मॉक टेस्ट तो हम नहीं ले सकते, 2-3 क्वेश्चन का क्या लाइव मॉक टेस्ट ले। तो दोस्तों आज मैं यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप जल्दी से इनका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्राचलिक जांच नहीं है। अब देखिए हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इंग्लिश में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिए नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। आप चाहे तो वीडियो रोक सकते हैं और रुकिए, शायद आपको ये देख लीजिए, अब देखिए, अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा, पहले मेरी फोटो के नीचे छुप गया था ये। अब देखिए, अब इसमें आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं, कोई नहीं, आप वीडियो रोक लेना, अच्छे से आपको दिख जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, और आप देख लेना जिस जिसका राइट हो जो भी हो। चलिए इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर है दोस्तों ए, टी टेस्ट। टी टेस्ट हमारा क्या है दोस्तों, नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, हमने ऊपर ही पढ़ा था ना, ये क्या है, ये हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है। टी टेस्ट शुरू में पढ़ा था हमने, टी टेस्ट और जेड टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। देख लीजिए ये सभी जो यूजीसी नेट में एग्जाम में आए हैं ना, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की तकनीकी डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त होगी जब आवृत्तियों के रूप में अवलोकन उपलब्ध हो। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में आप देख लीजिए, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द डेटा एनालिसिस व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी के रूप में अवेलेबल हो तो कौन सा टेस्ट होगा। अभी हम करके आए हैं, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन दोस्त अच्छे से वीडियो देखते हैं जी। चलिए जल्दी से बताइए, मैं अभी इसका आंसर आपको बता दूँ, आप चाहे तो इसका जो वीडियो है वो रोक सकते हैं, अच्छे से इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा, और मैं अब आंसर इसका दिखाता हूँ आप सभी को।
इसका आंसर है दोस्तों 3 है, नॉन पैरामीट्रिक चाई स्केर टेस्ट। अभी करके आए थे ना, अभी करके आए थे, ये देखिए ये रहा, ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए दोस्तों जहाँ तक हमें खोजे, हमने देखे, ये दो ही क्वेश्चन मिले हमें यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जिनके बारे में यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट पर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिज नेट है तो जीआरएफ है।